Everyone from Bonnie, Scotland, and from beautiful Lus. अब मैं और गुलाले पहुंच गए हैं लस के गांव में. आपको घुमाएं फिराएंगे भी और थोड़ा सा बताएंगे लस के बारे में. कहा जाता है कि द लवलीस्ट विलेज इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड की हिस्ट्री भी बहुत रिच है और इसके साथ साथ यहाँ का कल्चर, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की बहुत सी मैजिकल स्टोरीज भी आपको सुनने की मिलेंगी. और लस का जो गांव है इसके साथ भी ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है. कहते हैं कि 14th सेंचुरी में यहाँ की एक बैरनेस थी, वो अपने हस्बैंड से मिलने फ्रांस गई और वहाँ उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी को यहाँ वापस लस भेजा गया. तो उसको कवर किया हुआ था फूलों से और उन फूलों का नाम है फ्लोर डे लिस. और जब वो यहाँ उसकी बॉडी आई तो वो फूल जो है उन्होंने लस में जड़ पकड़ ली और वो यहाँ उगना शुरू हो गए. और फिर प्लेग आया और उसके दौरान लोगों को ऐसे लगा कि फ्लोर डे लिस जो है उसके अंदर मिरेकुलस कोई पावर थी, जिसकी वजह से वो प्लेग को वार्ड ऑफ उसने कर दिया. इस मिरेकुलस क्वालिटी की वजह से गांव को लस कहा जाने लगा. और लस क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि फ्लोर डे लिस जो कि एक फ्रेंच में नाम है कि लस का फूल, उसको जब शॉर्ट किया तो वो फ्लोर डे लिस से लस बन गया. लस एक बहुत खूबसूरत, बहुत हिस्टोरिकल ये गांव है, विलेज है और इसको महफूज किया गया है. यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत व्यू है, तो मैंने और अनीला ने सोचा कि आपको यहाँ पर ठहर के थोड़ा सा दिखाया जाए और हम भी थोड़ा सा ठहर के ज़रा लुत्फ़ लें इतने अच्छे व्यू का. और अनीला कोई गाना भी याद आ रहा है, अभी सुनाती हैं शायद आपको. इसके साथ साथ विलेज जाएंगे, बारिश शुरू की एज़ यूजल. और स्कॉटलैंड का मौसम जैसे कि आपको पता ही है, इतनी वीडियोज़ में अंदाज़ा हो गया होगा, बहुत बेतबार है. तो हम बेतबार नहीं है, मौसम बेतबार है, इसलिए हम आज आपको लेके चलेंगे विलेज में और दुआ करेंगे मौसम अच्छा हो जाए. लेट्स सी कैसे होता है मौसम. लेकिन अभी आपको लेके चलते हैं, एक बहुत खूबसूरत कॉटेज है मुझे नज़र आ रहा है. ये देखिए कॉटेज कितना खूबसूरत सजाया हुआ है और इतनी ही मेहनत करते हैं लोग अपने घरों को सजाने के लिए. दोस्तों अभी गुलाले जो बात कर रही थी इस फूलों भरे कॉटेज की और कह रही थी कि अनीला को कोई गाना भी याद आ रहा है, सो वो प्रॉब्ली गुलाले के टाइम से पहले का गाना है. लेकिन मैं चूँकि बहुत एंशंट हूँ तो मुझे वो गाना आता है. एक फिल्म आई थी अर्ली 1980s में और उसका एक गाना मुझे याद आ गया ये कॉटेज देख के. देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना. और वो फूलों के उस शहर में हम आपको आज लेकर आए हैं. खूबसूरत गाँव है, जिस कंजर्वेशन विलेज जैसे कि गुलाले ने पहले भी बताया. तो आए अब इस फूलों भरे कॉटेज से चलते हैं आगे लस विलेज में. ये कॉटेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 18 और 19 सेंचुरी के टाइम से ऐसे ही रखे गए थे. कंजर्वेशन विलेज है ये बेसिकली और इसकी जो तारीख़ है वो मिडिवियल टाइम से है. बहुत खूबसूरती से इनको मैनेज किया गया और इसीलिए टूरिस्ट सारी दुनिया से इसको देखने आ रहे हैं. ये खूबसूरत गांव लस चूँकि बहुत पिक्चरेस्क है और समर में ख़ास तौर पर इसके जो फ्लोरल डिस्प्लेज हैं वो इसके नीटली लाइंड कॉटेजेस को और भी खूबसूरत बनाते हैं. और इसलिए जैसा कि मैं कह रही थी कि फिल्म और टेलीविज़न कंपनीज ने इसको अपनी कई प्रोडक्शंस में एज अ बैकड्रॉप भी यूज़ किया है. स्कॉटिश टीवी की एक बहुत मशहूर ड्रामा सीरीज़ थी टेक द हाई रोड, लस में उसकी शूटिंग हुई थी. 1980s में शुरू हुई थी और 2003 में आई थिंक वो ख़त्म हुई थी. और अब भी उसके बहुत फैंस यहाँ स्कॉटलैंड में और दुनिया भर में मौजूद हैं. तो अपनी खूबसूरती की वजह से लस जो है वो टेलीविज़न और फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में भी एक लोकेशन के तौर पर काफ़ी पॉपुलर है.
मेरे बैकग्राउंड में जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है लस का पैरिश चर्च। बहुत खूबसूरत ये एंशियंट बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, बनी है ये 1875 में। और इसकी खूबसूरती इसके स्टेंड ग्लास विंडो है। इन स्टेंड विंडोज़ पर रात को जब रोशनी पड़ती है तो बहुत खूबसूरत रंग नज़र आते हैं, और असल में तभी आपको अंदाज़ा होता है कि इसका पैटर्न क्या है। जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको लाजमी आना चाहिए और ये बिल्डिंग देखनी चाहिए। इसके साथ साथ वेडिंग सेरेमनी के लिए भी इसकी बुकिंग होती है। अक्सर मैं इस विलेज में आती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और वेडिंग के दिनों में मैं आई हुई हूँ तो दुल्हन बहुत खूबसूरत लगता है जब वो इस रास्ते से निकल के बाहर आ रही होती है। यहाँ पर चर्च में आपको एक ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा है, और इस ग्रेवयार्ड में आपको मिलेगा एक बहुत यूनिक सा वाइकिंग हॉकबैक स्टोन। कहा जाता है कि वाइकिंग्स ने इस गांव को 1263 में जब वो यहाँ पर आए रेट किया और पिलेज किया, और उसके बाद यहाँ पर सेटल हुए। इस चर्च के अंदर 15 लिस्टेड एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे काबिले जिक्र एक फ्रंट स्टोन है। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट कीसॉक की एफिजी भी है। सेंट कीसॉक वो इंसान थे जो क्रिश्चियनिटी को लस गांव में लेके आए 510 में, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ फैलाया और फिर वो शहीद कर दिए गए। इस वक्त हम लस पियर पे मौजूद हैं और यहाँ से हम पूरे लॉक का ज़बरदस्त व्यू कर सकते हैं। दिस विलेज लस इज ऑन द बैंक्स ऑफ लॉक लोमंड। लॉक स्कॉटिश में गैलिक में कहते हैं लेक को। लॉक लोमंड स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। 36.4 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप है इट्स 153 मीटर्स डीप। इसके अलावा आप देख रहे होंगे लोग कश्तियाँ अपनी लेके आए हुए हैं, कायाकिंग कर रहे हैं, यॉट्स भी हैं यहाँ पे, लोग अपनी यॉट्स भी चलाते हैं। लेक क्रूज पे आप जा सकते हैं, पे टिकट लीजिए और वो आपको पूरे लेक का चक्कर लगवाता है। तकरीबन एक घंटे की होती है वो क्रूज। इस लॉक में बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, उन आइलैंड्स पे आप सिर्फ कश्ती या बोट के ज़रिए ही जा सकते हैं, या अगर आपको स्विमिंग आती है तो, और आप बहुत ब्रेव हैं तो आप तैर के भी जा सकते हैं। आज बड़ा लकी डे है गुलाले, मैं यहाँ कितनी दफ़ा आई हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे यहाँ लॉक लोमन पे और ये लस का जो विलेज है यहाँ रेनबो दिखाई दी है। ऐसी खूबसूरत जगहों पे वैसे ही हम साउथ एशियंस जो हमें गाने फिल्मों के बड़े याद आ जाते हैं, लेकिन लॉक लोमन के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल स्कॉटिश सॉन्ग है। मैं गा तो नहीं सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊँ। हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस लिंक के ज़रिए वो खूबसूरत ट्रेडिशनल स्कॉटिश सॉन्ग सुन सकते हैं, बाय योन बॉनी बैंक्स एंड बाय योन बॉनी ब्रेस। वेयर द सन शाइन्स ब्राइट ऑन लॉक लोमंड, वेयर मी एंड माई ट्रू लव विल नेवर मीट अगेन ऑन द बॉनी बॉनी बैंक्स ऑफ लॉक लोमंड। तो ये बॉनी बॉनी बैंक्स ऑफ लॉक लोमंड में मैं इस वक्त बैठी हूँ, सन भी इज शाइनिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल डे। और जैसा कि गुलाले भी कह रही थी कि खूबसूरत जगह है, आना चाहिए यहाँ अगर आप विजिट कर रहे हैं स्कॉटलैंड। फेरी ट्रेल पे मैं और गुलाले इस वक्त निकले हुए हैं, गो के ये बच्चों की एक्टिविटी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने अंदर का जो बच्चा होता है उसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। स्कॉटलैंड की जो हिस्ट्री और कल्चर है उसमें बहुत सी फैसिनेटिंग स्टोरीज़ हैं, और कुछ कुछ मैजिक का भी जिक्र है। यहाँ की जो ग्लेन्स हैं उनमें परियों की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। तो यहाँ पे लस में बच्चों के लिए ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि एक फेरी ट्रेल भी है, बच्चों को मुख्तलिफ क्लूज दिए जाते हैं और वो फिर इस ट्रेल पे निकलते हैं और परियाँ ढूंढते हैं खूबसूरत ग्लेंस में, वादियों में। तो देखें, शायद मुझे और गुलाले को आज कोई परी मिल जाए। क्या बात करती है नीला, फेरी ट्रेल पे निकली हैं फेरियाँ ढूंढने, हम कोई फेरी से कम है, लोग हमें देखने आते हैं। इट्स वेरी कोल्ड फ्रीजिंग, लेकिन ये कि इतना साफ क्लियर पानी, एक एक चीज़ नज़र आ रही है। और मैंने सोचा कोई
फेरीज, शायद मुझे यहाँ भी कोई स्विमिंग करती हुई मिल जाए, लेकिन यहाँ कोई फेरीज नहीं है। तो यही पानी जो है फिर प्रॉब्ली लॉख लोमंड में जाता है, उसको ज्वाइन करता है। बहुत ही क्लीन क्लियर, कोई ट्रैश नहीं नज़र आ रहा, दिल खुश हो गया है। लगता है यहाँ पे लोग बहुत दे अंडरस्टैंड व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज। ये हमारे स्कॉटलैंड का पिंड है गांव, और इसको कहते हैं कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन स्कॉटलैंड। तो कैसा लग रहा है आपको स्कॉटलैंड के सबसे खूबसूरत विलेज में इस वक्त चाय पीते हुए और लंच करते हुए? अल्लाह फिर इसको देखने का और इसमें बैठ के यहाँ चाय पीने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि ये भी कॉटेज है ना, इन्होंने कैफ़े बनाया है उससे। लेकिन आप ये देखें ना कि ये लोग अपनी हिस्ट्री को कितनी अच्छी तरह से प्रिजर्व करते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ लस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के भी अगर गांव जो हैं उसमें टूरिज्म हम प्रमोट करना शुरू कर दें तो ये भी एक बहुत अच्छा एक तो जो रूरल हमारे एरियाज़ हैं वो प्रमोट भी होंगे, लोगों को वहाँ पे लाइवलीहुड भी मिलेगा। खासतौर से इधर के लोग के लिए तो वो गांव बहुत इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्ट करते हैं। स्कॉटलैंड का बहुत फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग आके ले जाते हैं, और इसको आपको हमेशा ये चेक में ही नज़र आएगा जो इसका पैटर्न है और रंग है, ये क्लैन के अकॉर्डिंग है। और कबीले, जैसे क्लैन कबीले होते हैं तो हर कबीले के अपने रंग और डिज़ाइंस होते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। और आप देख रहे हैं कि वॉलेट्स भी हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको पसंद हो, बैग्स, सोवेनियर की दुकान है, बहुत प्यारी प्यारी छोटी सी क्यूट सी चीज़ें, और इतनी ढेर सारी वेराइटी कि अगर आप किसी के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं एज अ गिफ्ट भी। और मैं क्योंकि टी फ्रीक हूँ और ये लॉक लोमन का बहुत खूबसूरत कप तो मैं तो ये लूँगी, और इसके साथ साथ आपको ये सारी काफ़ी हिस्ट्री उन्होंने कोशिश की कि कप में समोए इसको, और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, मैं नाम लूँ तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत, ज़रूर आइएगा और विज़िट कीजिएगा इसको। दोस्तों, लस गांव की सैर हमने आपको आज करा दी। वी हैड अ ग्रेट डे, बहुत पिक्चरेस्क खूबसूरत विलेज है, और अगर आपको एक पीसफुल ट्रैंकुल डे आउट चाहिए तो लस ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आप स्कॉटलैंड आ रहे हैं विज़िट करने एज अ टूरिस्ट तो ये एक बहुत खूबसूरत विलेज है आपके लिए, ज़रूर आइएगा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, प्यारे कॉटेजेस हैं, कैफ़ेज़ हैं, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी जगह हैं जो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अगर आपको ये हमारी एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल स्कॉटिस्तानी, एंड रिमेंबर टू कॉमेंट, लाइक एंड शेयर। और जाते जाते गुलाले मैं ये भी कहूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो गर्मियों में यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉटेजेस हैं गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत, इन पर फ्लोरल डेकोरेशंस होती हैं, तो ऐसे लग रहा होता है कि किसी खूबसूरत तस्वीर को आप देख रहे हैं। होप, जैसे कि गुलाले कह रही हैं कि आपने एंजॉय किया हो, अगली वीडियो में किसी और जगह पे गुलाले हम चलेंगे, घुमाएंगे, कराएंगे आपको स्कॉटलैंड की एक बहुत खूबसूरत कोई और अच्छी सी डेस्टिनेशन।